तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम जून 2014. सो पी एक्स बी अ पॉलीमर विद रियल कोएफिशिएंट ऑफ डिग्री 5. तो पी एक्स को एक पॉलीमर गिवन है विच इज ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए फाइव एक्स टू द पावर 5. डिग्री 5 का पॉलीमर है, रियल कोएफिशिएंट है, तो ए फाइव डेफिनेटली नॉट जीरो गिवन होगा. ठीक है, और उसके बाद आपसे वो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पी ऑफ एक्स पी ऑफ एन बाई 2 टू द पावर एन की वैल्यू फाइंड करवा रहा है. तो अगर एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पे बात करेंगे तो ये क्वांटिटी या तो प्लस इन्फिनिटी पे जाएगा या माइनस इन्फिनिटी पे टेंड करेगा, डिपेंड करेगा ए फाइव क्या है. ठीक है, 5 डिग्री की पॉलीनोमियल है, एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पे ए फाइव अगर नेगेटिव हो गया तो ये क्वांटिटी माइनस इन्फिनिटी पे, पॉजिटिव हो गया तो प्लस इन्फिनिटी पे, और डिनोमिनेटर क्वांटिटी डेफिनेटली कहाँ जा रही है, इन्फिनिटी पे. तो ये एक्सप्रेशन जो बन रहा है वो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी बन रहा है. तो एल हॉस्पिटल रूल यूज कर सकते हैं. तो दिस इज इक्विवेलेंट टू लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पी डैश एन अपॉन 2 टू द पावर एन इन टू लॉग 2 आ जाएगा, ए टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव, और ऊपर पॉलीनोमियल का डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ जाएगा. अब इसका अगर डेरिवेटिव करेंगे तो अभी 5 डिग्री का पॉलीनोमियल है, 1 टाइम डेरिवेटिव करेंगे 4 डिग्री का, अगेन ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी टाइप का बनेगा. फिर डेरिवेटिव करेंगे तो 5 टाइम डेरिवेटिव करोगे तो ये बेसिकली इक्विवेलेंट टू आ जाएगा लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए फाइव इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 टू द पावर एन इंटू सम लॉग 2 लॉग 2 लॉग 2. एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पे ये कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है और ये कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी पे. तो ओवरऑल क्वांटिटी टेंड्स टू 0. तो आपका यहाँ जो लिमिट आएगा इट शुड बी 0. अब आपको यहाँ कोई भी पॉलीनोमियल दे दे और यहाँ अल्फा टू द पावर एन दे दे और अल्फा ग्रेटर देन 1 दे दे, जैसे अल्फा टू द पावर एन और अल्फा ग्रेटर देन 1 दे दे, तो डेफिनेटली ये हमेशा लिमिट कहाँ जाएगी, 0 पे. ठीक है, तो आपका आंसर जो है दैट शुड बी सी ऑप्शन ट्रू, रिमेनिंग ऑल आर फॉल्स.